अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट जी। स्टूडेंट, हम इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का बीएस इंजीनियरिंग का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने मैथ्स के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था, आज हम फिज़िक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे। 100 एमसीक्यूज में से 30 एमसीक्यूज फिज़िक्स में से आते हैं। हर एमसीक्यूज का एक नंबर होता है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ्स। नंबर वन एंगस्ट्रम, नंबर टू माइक्रोन, नंबर थ्री रेडियन एंड नंबर फोर लाइट ईयर। ये कह रहा है कि यहाँ ये जो चार आपको यूनिट्स गिवन हैं, इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो लेंथ को मतलब डिस्टेंस को मेजर नहीं करता। स्टूडेंट, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10^-10 मीटर। माइक्रोन का मतलब होता है 10^-6 मीटर। लाइट ईयर का मतलब होता है 3×10^5 मीटर। सवाई रेडियन के ये तमाम यूनिट्स लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेडियन एंगल मतलब थीटा को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज, इन विच क्वाड्रेंट द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैव सेम साइन। स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, पहले हम इसको समझते हैं। ऐसे दो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों मतलब जिनमें एंगल 90 हो, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसे कौन से ठीक है क्वाड्रेंट हैं जिसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का साइन सेम है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट हैं और इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड हैं, यहाँ पर उनके इन दोनों के जो साइन है वो सेम है। तो इसका आंसर हुआ कि फर्स्ट और थर्ड में सेम साइन होते हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव और थर्ड में नेगेटिव। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो स्टूडेंट, अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो उनके डॉट प्रोडक्ट से हम फाइंड आउट करते हैं। थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम, दे शुड देयरफॉर बी कंकरेंट। स्टूडेंट, इसका आंसर कंकरेंट है। कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन, कि अगर फोर्सेस सेम प्लेन में लाई करती हों और वो इक्विलिब्रियम हालत में हों, तो इस कंडीशन को हम कंकरेंट कहते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इक्वल टू हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन कार टेक्स टर्न अराउंड अ कर्व रोड द पैसेंजर फील अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन आर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, इट इज़ ड्यू टू। इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि स्टूडेंट जब कार चल रही होती है और वो एक कर्व रोड में चल रही है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से वो एक सेंटर में रिवॉल्व कर रही है, और फिर उसके एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होगी ठीक है, जो इस सेंट्री फोर्स से अभी जो है वो पैसेंजर को फेंकने की कोशिश करेगी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। टू ऑटोमोबाइल्स आर 150 किलोमीटर्स अपार्ट एंड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। वन ऑटोमोबाइल इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मैनी आवर्स विल दे मीट। स्टूडेंट, यहाँ पर दो वेलोसिटीज हमें गिवन है और एक डिस्टेंस गिवन है, कि दो ऑटोमोबाइल मतलब दो गाड़ियाँ हैं और वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आएगी मतलब v1 माइनस v2,
क्यों आएगी स्टूडेंट? क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो फिर हमारे पास इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वी वन को पॉजिटिव 60 किलोमीटर पर आवर लिया और सेकंड वेलोसिटी माइनस वी टू को हमने नेगेटिव ले लिया, माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 60 प्लस 40 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। और हमें पता है जो स्पीड होती है वो वी इज इक्वल टू होती है डी डिवाइड बाई टी के, हमारे पास रेट ऑफ डिस्टेंस को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हमने टाइम टी फाइंड करना है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट। तो टी इज़ इक्वल टू डी डिवाइड बाई वी आ सकता है। डी मतलब जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है वो है 150 किलोमीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आंसर आया 1.5 आवर। तो फिर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। इफ़ अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली इट्स वेट बिकम्स। स्टूडेंट, फ्री फॉल का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो स्टूडेंट, जब भी हम कहते हैं फिजिक्स में कि ये बॉडी फ्रीली फॉलिंग कर रही है तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, तो उसका वेट इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब वो वेटलेस हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैस है वो बॉडी का 10 kg कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीली फॉल मूव करने की वजह से इसका वेट बिकम्स ज़ीरो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। The diagram represent the straight line motion of a car. Which of the following statement is true? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो x एक्सिस पे टाइम गिवन है, y एक्सिस पे वेलोसिटी। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आप देख सकते हैं जब 2 सेकेंड हुए तो वेलोसिटी हो गई है स्टूडेंट 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करें हम, तो वेलोसिटी क्या है 12 है और टाइम क्या है 2 सेकेंड है, तो ये इक्वल टू आ गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, मतलब वेलोसिटी पर टाइम, मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू होती है हमारे पास एक्सेलरेशन। सो हम कहेंगे कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है किसने टाइम में 2 सेकेंड में। तो ये इसका ऑप्शन जो बी है, दी कार एक्सेलरेट एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड इज करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कार। स्टूडेंट, इसका ये सी ऑप्शन है कि हमारे पास जो फिगो मैनोमीटर होता है ये यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। If length of second pendulum becomes 4 times, then its time period will becomes in second pendulum. अब स्टूडेंट, हमने टाइम पीरियड मालूम करना है और हम बात कर रहे हैं सेकंड पेंडुलम की, तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो इक्वल टू होता है 2 सेकंड के। और हमें ऐसे अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो टी इज इक्वल टू होता है 2π² √L डिवाइड बाई जी। अब ये कह रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है एल वो हमने 4 टाइम कर दी है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो L डैश है, ठीक है, हमने कॉल लेंथ दिया वो इक्वल टू 4L हो गई है। अब L की जगह हम 4L पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास T डैश आ जाएगा। T डैश जो है वो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड है। आप देख सकते हैं 4 का जो स्केयर रूट होता है वो 2 होता है, तो ये 2 बाहर चला जाएगा, 2π² √L डिवाइड बाई जी, तो इक्वल टू T है। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, T डैश इज इक्वल टू 2T। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पेंडुलम है जब लेंथ 4 टाइम्स होगी तो उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारे पास स्टूडेंट 2 टाइम्स। विच वन डज नॉट वर्क टू रेजोनेंस। कहते हैं रेजोनेंस स्टूडेंट क्या है कि रेजोनेंस ऑफ फिनोमेना दे अकर्स व्हेन मैचिंग वाइब्रेशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट, ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन में। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है कि ठीक है कि आपके बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन जो हैं उनके साथ मैच कर जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गई है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसा, ठीक है, इनमें से गिवन है जिसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होती या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो वो इसका ऑप्शन है डी बल्ब।
दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन. स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है, और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि वो सॉलिड में ग्रेटर होती है. तो इसका सी ऑप्शन होगा कॉपर. कॉपर इज अ सॉलिड एंड हैव हाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सो इट्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट. विच फिनोमिना कैन बी अप्लाइड टू एस्टिमेट द वेलोसिटी ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो स्टूडेंट अर्थ पे अगर हम किसी भी स्टार की वेलोसिटी का मतलब उसकी स्पीड को हम एस्टिमेट करना चाहें तो उसके लिए जो हम फिनोमिना यूज़ करते हैं वो है डॉपलर इफेक्ट. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, डॉपलर इफेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ द मीडियम. स्टूडेंट जब लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक मीडियम से अगर वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो चेंज नहीं होती, ठीक है. वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो है फ्रीक्वेंसी. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड. तो स्टूडेंट जो साउंड वेव्स होती हैं वो पोलराइज्ड नहीं हो सकती. पोलराइज लाइट जो होती हैं वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं, जबकि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और तमाम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज्ड नहीं हो सकती. The velocity of light was determined accurately by. तो सबसे पहले जो velocity of light accurately form में calculate की गई थी वो Michelson ने की थी. Which one type of fiber is more suitable for transmission of signal in which white light is used? तो इसका option है student multi-mode graded index fiber. Which one is not an example of adiabatic process? स्टूडेंट adiabatic process एक ऐसा process है जिसमें system में no heat enter or leave the system, ठीक है. क्या आपके पास एक ऐसा process जिसमें heat enter भी नहीं होती और leave भी नहीं होती. तो वो कहते हैं यहाँ पर जो आपको example है इसमें से कौन सा जो process है वो adiabatic नहीं है. तो conversion of water into ice in refrigerator. Refrigerator में एक compressor लगा होता है जो heat को evolve कर रहा होता है. तो adiabatic तो ये कहता है कि सिस्टम में हीट ना तो इंटर होगी और ना ही लीव होगी. तो ये फिर adiabatic प्रोसेस की एग्जांपल नहीं है. सिलीनियम बिकम्स अ कंडक्टर इन लाइट, सो इट बिहेव्स लाइक. तो इसका आंसर है फोटोडायोड. स्टूडेंट सिलीनियम आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो तभी कंडक्टर बनता है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर सकता है जब उस पर लाइट गिरती है. तो ये एक फोटोडायोड हुआ. अ फोटोडायोड इज अ लाइट सेंसिटिव डायोड. इट प्रोड्यूसेस करंट व्हेन इट एब्जॉर्ब फोटोन्स. इसका मतलब है कि फोटोडायोड आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट सेंसिटिव होती है, मतलब जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो करंट को पास करना स्टार्ट कर देती है. फोटोकॉपियर एंड इंकजेट प्रिंटर आर डील विद इलेक्ट्रोस्टैटिक. स्टूडेंट फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या कि चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इस दोनों में जो कॉन्सेप्ट है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, यही कॉन्सेप्ट इन दोनों में यूज़ हुआ है. The relationship between Tesla and smaller unit gauss of magnetic induction is given by. Student, इसका option C है कि 1 Tesla जो है वो equal होता है 10^4 gauss के, क्योंकि 1 gauss equal होता है 10^-4 Tesla के. When the Wheatstone bridge is balanced then potential difference across galvanometer is zero. इसी वजह से स्टूडेंट करंट जो है वो पास नहीं करता, यहाँ पर करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है. कब? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है. इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज स्लाइटली लेस देन इमिटर करंट. इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन. क्योंकि पेयर प्रोडक्शन में दो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो पेयर एनिहिलेशन में इनहेल हो जाते हैं, तो ये दोनों रिवर्स में आते हैं. एम मीटर कनेक्टेड इन एन एसी सर्किट मेजर आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट. रेडिएशन विद वेवलेंथ लॉन्गर देन रेड लाइट वो कौन सी होती हैं? तो इसका ऑप्शन सी है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जिनकी वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट से ज़्यादा होती है. अल्फा बीटा एंड गैमा रेज आर इमिटेड फ्रॉम आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये स्टूडेंट स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो खुद से रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं. तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से प्रोसेस होना, मतलब कोई प्रोसेस खुद से ही चलता रहता है. एनर्जी लिबरेटेड व्हेन वन एटम ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोस फिशन रिएक्शन इज. तो स्टूडेंट कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है या लिबरेट होती है जब यूरेनियम एटम जो है
वो फिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। पहले फिशन रिएक्शन का मतलब है स्टूडेंट कि न्यूक्लियस को दो पार्ट में स्प्लिट करना, जिससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और इसका ऑप्शन डी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्ट।